हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों अब समय हमारे क्रिप्टो न्यूज़ का, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट किस हिसाब से चल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस आप देख सकते हैं $34,000 पे अभी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो जब तक ये $36,000 वाले सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, जब तक हम यहाँ पर कुछ इससे उम्मीद नहीं रख सकते। और लॉन्ग टर्म में देखें तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बाकी हम देखते हैं बिटकॉइन के अपडेट के बारे में कि किस हिसाब से ये ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों एक न्यूज़ निकल गया ये बिटकॉइन की तरफ से, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एलीट पेमेंट नेटवर्क टू ऐड बिटकॉइन टू इट्स कॉर्पोरेट ट्रेजरी एज ए पार्टनर विथ NYDIG। तो यहाँ पर दरअसल जो एलीट पेमेंट नेटवर्क है उन्होंने यहाँ पर NYDIG के साथ पार्टनरशिप कर लिया है, जहाँ पर अब बोला गया है कि अब यहाँ पर भी आप बिटकॉइन को सेल कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे, परचेस कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं असाइड फ्रॉम एलीट पेमेंट नेटवर्क इंटेंड बाय बिटकॉइन एंड होल्ड इन इट्स कॉर्पोरेट ट्रेजरी फैसिलिटेड। तो यहाँ पर इनका जो कॉर्पोरेट ट्रेजरी है उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन को जोड़ दिया है और अब आप यहां पर भी बिटकॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ब्रेकिंग एलीट पेमेंट नेटवर्क आ डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर हैज अनाउंस दे विल पुट बिटकॉइन इन देयर बैलेंस शीट। तो यहां पर इन्होंने अपने बैलेंस शीट पे बिटकॉइन को जोड़ दिया है, जिसकी वजह से उम्मीद हो सकता है यहाँ पर बिटकॉइन में आपको कुछ फर्क देखने को मिले। और दोस्तों अगली खबर आ रही है पैनकेक स्वैप की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पैनकेक स्वैप ने अपना 5.3 मिलियन केक को बंद कर दिया, यानी इसका जो केक टोकन है उनको यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पैनकेक स्वैप का जो टोकन है केक उसमें 11% का जंप देखा गया आज के दिन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैनकेक स्वैप केक टोकन हैज बीन सर्ज आफ्टर द एक्सचेंज कंप्लीट हिज वीकली टोकन बर्न रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ टोकन 5.3 मिलियन इट्स जंप 11% बिफोर द कूलिंग ऑफ अर्ली ट्यूजडे। यानी आज के दिन में जब पैनकेक स्वैप के टोकन को बर्न किया गया तो उसका जो सप्लाई है वो 5.3 मिलियन कम हो गया, जिसकी वजह से पैनकेक स्वैप का टोकन में आपको 11% का जंप देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं केक का जो प्राइस है वो इस वीक में डबल डिजिट गेन आपको देखने को मिला, यानी 12% 11% इस तरह का फायदा आपको पैनकेक स्वैप के टोकन में देखने को मिला इस हफ्ते। बाकी आप यहाँ पर ये सब पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है 72.3 मिलियन USD का पैनकेक स्वैप केक टोकन को बंद कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और खबर निकल गई है, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि 1.7 मिलियन USD का हमने केक दोबारा से खरीद लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं वी बाउट बैक 1.7 मिलियन USD ऑफ केक फ्रॉम द मार्केट। तो दोस्तों ये न्यूज काफी अच्छी निकल गई है पैनकेक स्वैप की तरफ से। हो सकता है इसका जो प्राइस है वो अभी और ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो पैनकेक स्वैप का जो टोकन है केक, अगर आपने उसको बाय करके रखा हुआ है तो इसमें आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस का यूज कर लीजिए। बाकी दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है एल सल्वाडोर की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बोला गया है एल सल्वाडोर अगर बिटकॉइन का माइन करता है तो 20,000 बिटकॉइन हर साल में कमा सकता है, यानी 750 मिलियन। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा अमाउंट है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर एल सल्वाडोर यहाँ पर बिटकॉइन का माइनिंग करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एल सल्वाडोर प्रपोज बिटकॉइन माइन कुड अर्न हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर ईच ईयर गिवन द करेंट नेटवर्क स्टेट अ टॉप माइनर पॉइंटेड आउट इन अ ट्वीट टुडे। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है अगर ये बिटकॉइन का माइन करते हैं तो यहाँ पर ये हंड्रेड ऑफ मिलियंस डॉलर हर साल कमा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट है अगर एल सल्वाडोर यहाँ पर बिटकॉइन का माइनिंग करता है, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा बिटकॉइन को भी और एल सल्वाडोर की जो कंट्री है उसको भी। बाकी दोस्तों यहाँ पर यही सब बोला गया है कि एल सल्वाडोर में यहाँ पर लीगल टेंडर वगैरह दे दिया गया है और ऑल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर मिलती है कंट्री में, बाकी ये सब जरूरी नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है चाइना की तरफ से। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं दरअसल चाइना ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है बिटकॉइन माइनिंग को बंद करके। दरअसल यहां पर बोला गया है ओनर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन द चाइना लॉस देयर क्रिप्टो बिजनेस सो दे स्टार्टेड सेलिंग दम। यहां पर बोला गया है चाइना ने क्रिप्टो की जो माइनिंग है वो तो बंद कर दी है, लेकिन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के जो ओनर है वो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को सेल करने लग गए हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं जब यहाँ पर उस चीज़ का काम ही नहीं हो रहा है तो उस प्लांट्स को यहाँ पर रखने का क्या फायदा, तो इसलिए वहाँ पर ये लोग सेल करने लगे हैं, जिसके वजह से चाइना भी अब काफी ज्यादा चिंता में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द डिसीजन ऑफ चाइनीज काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ द एंड ऑफ मे दिस ईयर टू टेक एक्शन अगेंस्ट बिटकॉइन माइनिंग हैज नॉट ओनली अफेक्टेड द माइनर देमसेल्फ बट आल्सो द ओनर ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। यानी यहाँ पर बोला गया है ये जो इफेक्ट पड़ा है बिटकॉइन माइनिंग को बंद करने का ये सिर्फ ट्रेडर्स पे ही नहीं पड़ा या फिर माइनर्स पे ही नहीं पड़ा, यहाँ पर ये जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो लोग अपने हाइड्रो पावर प्लांट्स को यहाँ पर सेल करने लग गए हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स चाइना पे यहाँ पर असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चाइना ने बिटकॉइन की माइनिंग बंद कर दी है अब यहाँ पर चाइना को खुद ही पछताना पड़ जाएगा। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है कि स्कैम की तरफ से। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दरअसल एक यूट्यूबर है जिसका नाम है टेक लीड, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम किया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, उसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे और तब उन्होंने यहाँ पर स्कैम किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेक लीड आ यूट्यूबर ओवर 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैज़ बीन एक्यूज ऑफ स्कैमिंग हिज कम्युनिटी आफ्टर ही लॉन्च हिज ओन क्रिप्टो करेंसी। दरअसल यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि हम अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे, जिसका नाम उन्होंने रखा था शायद से मिलियन, उसका नाम था MM करके कुछ ऐसा क्रिप्टो करेंसी था। उन्होंने यहाँ अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया था और यही जो मुद्दा है यहाँ पर पंप और डंप का मुद्दा है जिसके वजह से यहाँ पर स्कैम किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेक लीड एक्यूज द डंपिंग फॉलोअर्स। टेक लीड अ फॉर्मर गूगल एंड फेसबुक एम्प्लॉय टर्न यूट्यूब विथ ओवर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैज बीन एक्यूज फॉर कंडक्टिंग अ पंप एंड डंप स्कैम विथ हिज न्यूली लॉन्च क्रिप्टो करेंसी मिलियन। देखिए इसका जो क्रिप्टो करेंसी का नेम है वो है मिलियन, और यहाँ पर टेक लीड है जो कि गूगल एंड फेसबुक का एम्प्लॉय रह चुका है, वो अब यूट्यूब में आया था जिसके फॉलोअर्स थे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स, हैज़ बीन एक्यूज एंड कंडक्टिंग एंड पंप एंड डंप स्कैम। तो उन्होंने शायद यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया था उसमें शायद पंप एंड डंप करके कुछ बताया था, तो शायद वहीं पर कुछ जाके यहाँ पर स्कैम किया गया है। देखिए वो जो यूट्यूबर है उन्होंने कहा था वी आर गोइंग टू द मून, दैट्स राइट, हम चांद पे जा रहे हैं, ये सही है, वी आर गोइंग टू द रिच, यानी हम अमीर बनने जा रहे हैं। आई डोंट सी हाउ वी कैन नॉट बी रिच, मेरे को नहीं पता कि आप कैसे रिच होंगे, लेकिन हम चांद पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोला था इन्होंने, और अभी आप जानते हैं एलन मस्क भी कहते हैं कि डॉज कॉइन मून पे जाएगा, पता नहीं अब कब जाएगा। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर फ्रॉड कर दिया, यही बोलते बोलते बहुत बड़ा स्कैम किया है, 1 मिलियन इनके फॉलोअर्स था तब जाके यहाँ पर स्कैम किया है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ, कोई भी छोटी क्रिप्टो करेंसी में आप यहाँ पर इन्वेस्ट मत कीजिए। अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप डॉज कॉइन में इन्वेस्ट मत कीजिए, बस मैं आपको यहाँ पर ये कहता हूँ कि जो टॉप 30 या फिर टॉप 20 के नीचे कॉइन है, जो और सब जो कॉइन लॉन्च होते हैं जिसको किसी के बारे में पता नहीं होता है और आप जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई यूट्यूबर आपको कह देता है, आप डायरेक्ट जाके बिना कोई रिसर्च किए उस यूट्यूबर का बात मान लेते हैं और जाके वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये गलती आप दोस्तों मत कीजिए, कोई भी यूट्यूबर आपको बताता है तो आप सबसे पहले अपना खुद रिसर्च कीजिए कि वो कॉइन कैसा है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या वो फायदा देगा या फिर नहीं देगा, कि उसका प्रोजेक्ट कैसा है, किस हिसाब से वो जो कंपनी है वो काम कर रही है। तो ये सब जानिए, खुद से रिसर्च कीजिए, उसके बाद से कहीं जाके उसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं आपका जो पैसा है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो लॉस हो जाता है तो पता नहीं कितना दिन आपको फंसाना पड़ेगा, और बाद में भी वो जो पैसा आप लगा रहे हैं वो निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, किसी को यहाँ पर पता नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप किसी भी कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कीजिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी कॉइन में तो कम से कम नहीं तो टॉप 20 नहीं तो टॉप 30 के अंदर ही जो कॉइन है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, मैं कोई यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बस मेरा यहाँ पर मुद्दा है कि आपको राय देना, एक मैंने यहाँ पर आपको राय दी है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं चाहे तो, या फिर आप खुद का रिसर्च करो, आप अपना जो खुद का रिसर्च करते हो उसके थ्रू आप यहाँ पर कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। बाकी दोस्तों यही थी आज की कुछ क्रिप्टो न्यूज़, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।